प्रणाम। गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन पंक्तियों के माध्यम से सर्वप्रथम तो मैं मेरे उन गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने मुझ जैसी कच्ची मिट्टी को उठाया और अपनी मेहनत से दीपक बनाया और अपने ज्ञान के प्रताप से मुझे प्रज्वलित करके एक ऐसा दीपक बनाया जिसे आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं एक बार पुनः मेरे उन समस्त गुरुओं को वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तत्पश्चात मैं MGCI परिवार के उन समस्त विद्यार्थियों को धन्यवाद अर्पित करता हूँ जिन्होंने शिक्षक दिवस के इस शुभ दिन हम सबको अपनी शुभकामनाओं के माध्यम से, संदेश के माध्यम से MGCI परिवार के शिक्षकों को सम्मान प्रकट किया। मैं ऐसे विद्यार्थियों को पुनः एक बार धन्यवाद अर्पित करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक के जीवन में जो मैंने सीखा है, यदि उसे कम शब्दों में आपके सामने में रखूं तो जीवन का सार यह है कि हमारे जीवन में वह कभी नहीं होता जिसे हम सही समझते हैं। हमारे जीवन में तो सदैव ही वही होता है जो वास्तव में हमारे लिए सही होता है। जिसे हम सही समझते हैं वो चीज अलग है और जो वास्तव में हमारे लिए सही है यह चीज अलग है। घटना के घटित होने से पहले हमारा एहसास रहता है जो हम सही समझते हैं और किसी घटना के घटित होने के बाद हमें यह समझ में आता है कि हमारे साथ वही हुआ जो हमारे लिए सही था। बस हमें अपना विश्वास बनाए रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे आदरणीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की पंक्तियां हैं कि यदि हमें सूर्य की तरह चमकना है तो पहले तो हमें सूर्य की तरह जलना होगा। बगैर आग के रोशनी नहीं और बगैर रोशनी के नाम नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे जीवन में विद्यार्थी जीवन से ही हम अनेक परीक्षाओं से गुजरना प्रारंभ करते हैं। हमारे जीवन में अनेक विपरीत परिस्थितियां आती है। ये जो परीक्षाएं हैं, ये जो विपरीत परिस्थितियां हैं, ये हमें और सशक्त बनाने के लिए आती है। जो जीवन में हमको अपमान सहन करने होते हैं, जीवन में हमारे साथ वो अनेक घटनाएं होती है जो हमारे मन को दुख और ठेस पहुंचाती है, ये तमाम घटनाएं हमें सशक्त और मजबूती प्रदान करने के लिए आती है। बस हमें विश्वास बनाए रखना है। साथियों, ये परीक्षाएं, ये विपरीत परिस्थितियां, ये अपमान, ये आपके अंदर वो आग और वो जज्बा पैदा करती है और यही आग और जज्बा आपके अंदर वो रोशनी पैदा करता है जो इस विश्व के मानचित्र पे आपको उसी तरह अमर कर देती है जिस तरह इस आसमान में सूरज अमर है। बस हमें कुछ दिन के लिए उस तपिस को सहन करना होता है। प्यारे विद्यार्थियों, आने वाले सितंबर और अक्टूबर के माह में आपको परीक्षाओं के दौर से गुजरना है और मैं जानता हूं मेरे पास अनेक विद्यार्थी आते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि सर हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा, सर हमें ऐसा लगता है कि जो हमने याद किया वो सब हम भूल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूं कि पानी से भरा हुआ एक बर्तन है, वो पानी पूरी तरह शांत है और हम यदि उसमें अपना चेहरा देखेंगे तो हमें अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देगा। अब हम अपने चेहरे को वहीं रखें लेकिन उस बर्तन को थोड़ा सा अपन हिलाएं
तो उस पानी की अस्थिरता के कारण हमारा चेहरा होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देता है। चेहरा है परंतु दिखाई नहीं देता है। जिस तरह बर्तन अस्थिर होने के कारण चेहरा होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, उसी प्रकार जब हमारे मन में विचारों का प्रवाह चलता है हमारा मन अस्थिर होता है। और हमारे अंदर ज्ञान है, हमें सब चीजें याद है, लेकिन होते हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि हमें याद नहीं है। याद है, विश्वास रखो, अपने मन को शांत रखो। आप जब एग्जाम देने जाएंगे, परीक्षा देने जाएंगे, आपका मन फोकस हो जाएगा और आपका मन पानी के उस बर्तन की तरह हो जाएगा जो पूर्णतः शांत है, और उस बर्तन में जैसे चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, परीक्षा में आपको आपकी सारी मेहनत, आपने जो जो याद किया है वैसा ही स्पष्ट याद आएगा। आप विश्वास रखो, आपका काम है पढ़ना, मेहनत करना, पढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और विश्वास रखो कि एग्जाम में सब चीजें अपने को उसी तरह याद आएगी जिस तरह शांत पानी के अंदर सकल दिखाई देती है, उस तरह आपको आपके मस्तिष्क के अंदर हर चीज दिखाई देगी। बस हमें तो आगे बढ़ना है। यही शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर मेरी मेरे विद्यार्थियों के लिए सीख थी। मैं एक बार पुनः मेरे गुरुजनों को प्रणाम करता हूं और मेरे उन समस्त विद्यार्थियों को धन्यवाद अर्पित करता हूं जिन्होंने MGCI परिवार के शिक्षकों को सम्मान प्रकट किया, और मेरे उन विद्यार्थियों को मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं जिनको भविष्य में परीक्षाओं से सामना करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।